ये देखो, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सबके सब? होप सो सबके सब बढ़िया हो गए, डूइंग वेल इन लाइफ। तो भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हितेश गया हुआ है आगरा गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, वापस आ चुका है और अपनी बाइक के लिए कोई कुछ लाया है। तो चलो अब बाइक के पास चलते हैं और उस चीज़ को फिट करवाते हैं, पहले देखते हैं उसने लाया गया। तो चलो चलते हैं। तो भाई ये देखो, ये है हमारी LED जो हितेश लेके आया है आगरा से, और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। आप देख लो, अब ऑन ओके दिखेगी तो आपको अलग सी लगेगी, बट बहुत अलग है। और भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमें जम्मू में बेसिक LED मिलती है ना, जितने में उस प्राइस में लेके आया, प्राइस आपको लास्ट में बताएंगे, फिर चलते हैं। अभी भाई अभी हम जा रहे हैं देश की बाइक की LED फिट कराने। देश कहाँ पे है वो शॉप? फ्लोड़े में। फ्लोड़े में चलो, आप चलो फ्लोड़े में। अभी हम आपको वहीं पे जाके मिलते हैं। बाय। तो भाई हमारी हेडलाइट खुल गई है, इसको तोड़ के तो फिर वो नहीं, हाँ इसको तोड़ के वो लगाना है, फिर वो आगे लगता है दूसरा शीशा जो हम कह रहे हैं। चला देखते हैं कैसे लगती है। सारे के सारे लॉक्स खुलते हैं, फिर लॉक फिर से सेट होते हैं हेडलाइट के साथ। ये थोड़ी बहुत हेडलाइट्स जो बुलेट को लगती है, हमारी वाली ये क्या हेडलाइट, और ये अलॉय, और ये सिंपल चीज़ें, और वो साइलेंसर्स। भाई अभी हम करवा कर आ चुके हैं, और ये देखो दिस इज द DRL। दो मिनट, कैमरा मेरे ख्याल से गंदा हो गया। हाँ ये देखो, ये DRL है, और वो दूसरा ऑन कर, लो बीम, हाई बीम, चल हाई बीम ऑन कर दे, बंद कर दो। हाँ ये देखो, ये सिर्फ हाई बीम, सिर्फ अब हम हाई बीम भी चला सकते हैं, लो बीम भी चला सकते हैं, और DRL चलते रहेंगे इसी के साथ। प्लग एंड प्ले सिस्टम हुआ है, हाँ प्लग एंड प्ले सिस्टम था, पर फिर ना वो लो बीम चलती रहती, तो हमने तो भाई ये स्विच लगाया इसको, और उससे ये हाई बीम और लो बीम अलग अलग हो गया, नहीं तो हमें लो बीम चलती रहती है, सब कुछ सही नहीं लगता, इसलिए हमने ऐसे रखा। अब लो बीम अलग, हाई बीम अलग, और बंद करना चाहो तो बंद हो सकती है, LED चलती रहेगी, तो ये कुछ ठीक लगता है। तो भाई हमने उनसे यहाँ पे जिनसे हमने हेडलाइट फिट करवाई ना, उनसे प्राइस पहुँचा, प्राइस पूछा तो 3,000 से 4,000 के बीच में प्राइस है, जो कि मतलब ज़्यादा है उस हेडलाइट जितने में हम लाए हैं। तो अगर किसी को लेनी हो तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे और बाकी आपको सस्ती पड़ेगी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो भी होगा आप बता देना हमें, उस हिसाब से आपको सस्ती। नहीं मार्केट प्राइस हमें नहीं बताना, तुम हमें पता है मार्केट प्राइस। तो भाई आपको वो लाइट हेडलाइट मार्केट प्राइस से तो कम में ही मिलेगी, 2500 में मिल जाएगी, और डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे। अगर किसी को भी वो लाइट परचेज करनी हो तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकता है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, होप तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो। उसको कर है। तो भाई हियर इज दिस बुलेट इन नाइट, अब आपको दिखाते हैं इसका थ्रू, पहले आप देख लो DRL का थ्रू, ब्रेनेस कम कर लेते हैं आपके लिए। DRL लग कैसे रही है थ्रो आपको बाद में दिखाते हैं। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक का थ्रो, DRL ऑन। हाँ तो भाई ये है DRL, अब आप आगे देख लो, मतलब थोड़ा बहुत ब्राइट हुआ है, दैट मच ब्राइट नहीं हुआ है। और अब लो बीम, ये रही इसकी लो बीम, और हाई बीम दिखाते हैं आपको, ओ हाई बीम के साथ था। तो भाई अब आपको दिखाते हैं इस बाइक का फोकस, तो भाई DRL ये रहा इसका DRL, आप देख लो आगे कुछ नहीं दिख रहा। अब लो बीम, ये है इसकी लो बीम और हाई बीम,
ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम। तो भाई अब हम लेके आ गए हैं यहाँ पे अंधेरे में, सामने से लाइट पड़ रही है। अब आपको सही से फोकस पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में लाइट कितनी है, क्योंकि यूट्यूबर्स आपको दिखा देते हैं बिल्कुल अंधेरे में। यहाँ पे थोड़ी बहुत सामने से लाइट पड़ भी रही है तो आपको पता चल जाएगा कितना फोकस ये दे रही है। तो भाई करना डी आर एल ऑन, ये है भाई सिर्फ इसका डी आर एल जो कि थोड़ा सा आगे जाता है और ख़त्म हो जाता है, और अब सिर्फ लो बीम, लो बीम करना, लो बीम। तो भाई ये है लो बीम, हाई बीम तोड़ दिया, ये भाई इसकी हाई बीम, फिर लो, फिर हाई। तो आप देख सकते हो कहां भाई, आप देख लो थ्रो कहां तक जा रहा है इसका। और अभी सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको सही से पता चल जाएगा कि ये रेत पे जा रहा है, रेत से भी आगे जा रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं कैमरे में। तो भाई अब सामने से गाड़ी आ रही है तो आप देख लो कि क्या फर्क पड़ रहा है इसका रोड के ऊपर। ट्रक के उसके पीछे भी दिख रही है हमारी लाइट। उस गाड़ी को आने दो फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि जब सामने से लाइट पड़ती है फिर हमारी हमारा थ्रो बाइक का कम हो जाता है। उसको आने दो, क्या बड़ी दूर माँ है ये, कोई मुझे लगता है गाड़ी सीख रहा है, इसने घंटा लगा दिया है इधर आते आते घंटा। कुत्ते साइड हो जा। तो भाई आप देख लो यार, ये नैनो वाला बंदा इतनी आस्था से चला रहा है। तो देख लो थ्रो ठीक ठाक है, मतलब मस्ती है, हाँ भाई बहुत सही है। तो किसी को भी हेडलाइट लेनी हो तो बता तो दिया आपको कहाँ से ले सकते हो। तो चलो यहीं पे इस थ्रो के साथ इस वीडियो को, ये देखो करण पूरा। तो भाई ये देखो, ये कुछ ऐसी लग रही है इन पायलट लैंप्स के साथ, वो पायलट लैंप्स के साथ सच्ची यार बहुत सही लग रही है। तो कैमरा में इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि अगर उसका फोकस हटा दूंगा तो उसका भी पूरा का पूरा हट जाएगा, बट ये सही लग रही है। तो भाई अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया लाइट के लिए, अब पक्का एंड करते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत देर से कह रहा हूँ एंड 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 पर वीडियो एंड की नहीं मैंने, तो अब पक्का वीडियो एंड करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो लाइट है वो 70 वॉट की है, और मैक्सिमम जो लाइट्स आती हैं वो 50 वॉट की होती हैं। तो चलो इसी के साथ अब मैंने बता दिया आपको 70 वॉट की लाइट है, अब पक्का वीडियो को एंड करते हैं। तो चलो वीडियो करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और बुलेट की न्यू लुक कैसी लगी ये जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय।